अगर बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे वरुण धवन को माना जाता है, तो भोजपुरी में कल्लू जी के साथ कंपैरिजन किया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नए में यंगस्टर में अगर देखा जाए तो लोग अगर मुझे बोलते हैं वरुण धवन तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्टर है वो, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, और मेरी पूरी कोशिश है, लोग हमें छोटे से इतना प्यार आशीर्वाद दिए हैं और मेहनत कर रहा हूँ, देखिए दर्शक कितना तक हमें प्यार आशीर्वाद देते हैं। सर, जैसे कि आपकी फिल्म आ रही है रंग, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म है रंग? रंग एक लव स्टोरी फिल्म है जिसमें हमारी अपोजिट ये रितिका शर्मा जी हैं, बहुत अच्छी जोड़ी हम लोग की, मतलब दर्शक पसंद कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लुक आप लोग देख सकते हैं, जब ये सोशल मीडिया पे आया तो काफ़ी दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मिला, कमेंट्स अच्छे अच्छे मिले, बहुत ही अच्छे मिले। तो ये रंग जो फिल्म है पूरी लव स्टोरी है, एक्शन है, कॉमेडी, सॉन्ग जब हम हैं तो गाने अच्छे अच्छे होंगे ही, तो काफ़ी दर्शक पसंद भी कर रहे हैं हमारे सभी गाने, तो कुल मिला के इंटरटेनिंग फिल्म है और एक संदेश भरा ये फिल्म है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कल्लू जी के साथ, इसके बारे में कुछ बताइए, और रंग करते वक्त क्या सोचा आपने? कल्लू जी के साथ तो बहुत अच्छा लगा काम करके, और काफ़ी मज़ा भी आया, और लोग काफ़ी हमारी जोड़ी को पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो जैसा फिल्म का टाइटल है, अंदर पूरा वैसे ही रंग भरा हुआ है इस फिल्म में। जैसे कि हर कोई फिल्म करते वक्त सोचता है कि मुझे इस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं जब एक फिल्म साइन करते हैं, इस तरह की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, कॉन्टेंट होनी चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एक आर्टिस्ट को हर तरह की मूवी करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के आपकी एज होगी फिर बाद में ये नहीं करना चाहिए यार मैंने वो किरदार नहीं किया, तो मैं हर तरह का किरदार करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। कल्लू जी, रंग करते वक्त आप जो हर डांस भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, और आप एक्टिंग भी करते, तो हर कॉम्बिनेशन आप है, तो किस तरह का रहा? तो आपको हमेशा पवन सिंह के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है, तो क्या कहना चाहिए? फर्स्ट बात कि जब मैं रंग कर रहा था तो पूरा रंग गया था, मेरे पे पूरा मतलब रंग जम गया था, अभी तक मतलब वो रंग उतरा नहीं है। तो उम्मीद है कि हम लोग जितनी मेहनत करके ये मूवी बनाए हैं, हमारे दर्शक देखेंगे तो उन लोग के ऊपर भी ये रंग चढ़ेगा, और ऐसा चढ़ेगा कि मतलब उतरने का तो नाम ही नहीं हो सकता है। तो कितना रंग लगाया मैडम को? दिख रहा है पोस्टर में, देखिए आप। वो तो प्रोड्यूसर साहब ही बताएंगे कितना रंग में खर्चा हुआ है, बहुत खर्चा किए, और दीपक सर ने मतलब जो बोले, ऐसा तो फिल्म का नाम है रंग, तो रंग लाने में क्यों वो मतलब ऐसा करेंगे, इन बहुत सारा रंग मैंने लगाया, होली के गाने में रंग लगाया, वो अपना फाइट में रंग लगाया, फाइट में रंग है, और फिर टाइटल सॉन्ग, हाँ टाइटल सॉन्ग चूड़ी कंगन, पूरे गाने में 4 मिनट का मतलब वो गाने हैं, और बैकग्राउंड में आप देखिएगा मतलब ब्लास्ट, रंगों का ब्लास्ट, मतलब हर जगह रंग ही रंग, रंग ही रंग। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सब एक बार सिनेमा घर में जाइए अपने पूरे फैमिली के साथ, और आप लोग भी रंग में जम जाइए। आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये फिल्म पूरी तरह साफ सुथरी है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, भोजपुरी क्या रहता है गलत जो आपने कहा साफ? नहीं, कोई बोलता है जैसे मीडिया से हैं आप लोग ही सवाल उठाते हैं कि आजकल हमारी भोजपुरी पूरी फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती, मतलब ऐसे ऐसे गाने आते हैं, हाँ बल्कर गाने आते हैं। उस बात पे मैंने बोला, और मैं भी मूवी करता हूँ, इसके पहले भी किया हूँ, तो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला के लिए फर्स्ट टाइम कहना चाहूँगा कि हमारी पब्लिक डिमांड रहती है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं शुद्ध हूँ, मैं गंदा गाना नहीं गाता, मैं मतलब कुछ नहीं करता, पब्लिक की डिमांड रहती है, उससे हम लोग मूवी में रखते हैं। अगर आज हमारी पब्लिक बोल दे कि मैं गंदा गाना नहीं सुनूंगा, तो कोई भी सिंगर गंदा गाना गा के हिट नहीं होगा। आज लोगों का फंड चल गया है कि मैं गंदा गाना गाऊँ, हॉट हॉट वीडियो बनाऊँ, हिट हो जाऊँ, लेकिन ये गलत है। हमारी भोजपुरी आज से नहीं, मैं भी 10 साल से सिंगिंग कर रहा हूँ, साफ सुथरी सॉन्ग होती है, जो सॉन्ग साफ सुथरी होती है वही गाने हर जगह हिट होते हैं। आप गलत गाना गाइएगा, हेडफोन में लगा के सुनना पड़ेगा, लेकिन इस फिल्म में हमारी एक नहीं 4-5 गाने ऐसे हैं जो फैमिली के साथ सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। ये गाना है मोर पिया मोर पिया मोर पिया हो, या ले लीजिए तार साड़ी के पल्लू, चाहे हक जतावे दरानी जी जवानी के हमें हकदार बानी, निहोरा करे चूड़ी कंगना, और अब अंगुरी पर मूव लेके, तो सभी गाने परिवार के लिए, एक गाने हमारे यंगस्टर के लिए, क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि नहीं कुछ आप भी समझ रहे हैं डीजे पे डांस कैसे होगा, तो एक गाना वो भी बचा के रखा गया भोजपुरी को देखते हुए, हल्का फुल्का में गया। होली आने जा रहा है, तो किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे आप होली, और किस तरह से आप स्कूल में सेलिब्रेट करते, आप बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे?
होली आ रहा है और होली में हमारी मूवी रंग की चर्चा हो रही है, तो ये तो बहुत हमारे लिए होली बहुत खास है कि हमारी फिल्म की चर्चा हो रही है हर जगह। रंग जम रहा है, धीरे धीरे जमेगा ही, और जब रंग ऐसा चीज़ है कि मतलब जितना देर रहेगा वो मतलब धीरे धीरे पकड़ता रहता है। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं होली स्कूल में क्या, या अभी भी किस तरह से सेलिब्रेशन? जब मैं छोटी थी हम एक महीना पहले से होली खेलना शुरू कर देते, मतलब इतनी शरारती थी मैं कि गुब्बारे में पानी भर के सबके मुंह पे मारती थी, पर अब मैं सुधर गई हूँ और अभी तो प्यारा सा, अभी इतना कोई होली खेलती भी नहीं हूँ मैं, और ऐसे अपने घर में ही मम्मी पापा के साथ मैं ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ। और होली हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है, और बहुत शौक बहुत श्रद्धा से लोग मनावे ला, घर पे पूड़ी पुआ सब बनेला, और हम होली मतलब बचपन से यही लाइन में बनी, तो हमारे शूटिंग में ही होली मनत रहे सब हीरोइन लोग के हम कलर लगाई ना, और स्कूल में बच्चों लोग के साथ जैसे लोग खेलते हैं रंग डाला डाली, जैसे छुट्टी होता था हम लोग कलर लगाना स्टार्ट कर देते थे, वो लड़का हो या लड़की सरों पे डाल देते थे हल्का फुल्का। और होली के दिन रंग से थोड़ा सा हम दूर रहते हैं क्योंकि इस लाइन में है तो अपना फेस अपना मतलब बचा कर रखना, तो छत के ऊपर से डालते थे रंग, और शाम में सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, अबीर लेके पैरों पर टच करके सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि आज उन लोग का ही आशीर्वाद है तो मैं यहाँ पर हूँ। छोटा सा गाना हो जाए होली का, अगर आपको आपके जो मनपसंद गाना हो, हिंदी या भोजपुरी, कौन सा? हिंदी तो अभी कोशिश नहीं करते हैं, भोजपुरी से ही मतलब हमको प्यार मिलता है। इस फिल्म में रंग में एक गाना है, वही गाना चाहेंगे। अरे बंद भइल दारू बियर पौआ हो कैसे पी के नाची गौआ, बंद भइल दारू बियर पौआ हो कैसे पी के नाची गौआ, पी के नाची गौआ कैसे पी के नाची गौआ, हाँ पौआ बिनुआई नहीं तौआ हो कैसे पी के नाची गौआ। उसमें एक लाइन है, जब से दारू बंद हुआ है तब से जो लोग पीते थे उन लोग की वाइफ बड़ी खुश है, नीतीश जी को बहुत मतलब वो लोग दिल से दुआ दे रहे हैं कि हमारे जो पति थे दारू पी के आते थे, गाली देते थे, मारते थे, तो वो लोग का इस होली में क्या है। अरे हमनी के होत बावे भैया हो शोषण, हमनी के होत बावे भैया हो शोषण, अरे देखो न रीतिका लगवली मुँह पलोसन, आ खेला ले नीतीश काका दौआ हो कैसे पी के नाची गौआ। और बहुत आप लोग इस गाने को YouTube पे सर्च करके, वर्ल्ड वाइड कंपनी से ये फिल्म का ऑडियो रिलीज हुआ है, आप लोग सुन सकते हैं। ये जो मैं गाना गाया इस फिल्म रंग का ही है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ऐसी कौन सी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स अभी तक आपको मिले? आपने कई सारी फिल्में किए, गाने भी गाए, तो आपके फैमिली या फैंस से कौन सा अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहा, वो हमेशा मेमोरेबल रहा? एक गीत मैंने गाया था अभी एक साल पहले ही, हमारे जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने वो सॉन्ग गाया था। और 10 साल की लाइफ में मतलब सिंगिंग करियर में पहली बार इतने मतलब पॉजिटिव रिस्पांस, मैंने भजन भी गाया है, ऐसा नहीं है शिव जी का भोले बाबा देवी गीत, लेकिन पहली बार इतने सारे कमेंट्स एक सामाजिक गीत गाने पे, इतनी अच्छे कदम, लोग इतना अच्छा कमेंट्स दिए, तो मेरे लिए वो मतलब यादगार सॉन्ग है। और अभी एक जो गीत गाया मैंने बंद भइल दारू बियर पौआ, बिहार में जो दारू बंद हुआ है बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात है, हमारे जो बिहार को लोग बदनाम किए हैं, फिल्मों में भी आप देखते होंगे गुंडा मंगाना है तो बिहार से मंगाओ, अरे ऐसा क्यों, बिहार इतना मतलब अगर आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो बिहार में बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं, अभी जो IAS IPS अगर ज़्यादा देखा जाए तो हमारे बिहार से ही लोग आते हैं। और जिस क्षेत्र का मैं हूँ भोजपुर ज़िला बक्सर ज़िला, वो इतना अच्छा जगह है, लोग बदनाम कर दिए हमारे बिहार को, तो ये जो मतलब कदम उठाया है नीतीश चाचा ने बहुत अच्छा कदम है, और हमारे बिहार को नशा मुक्त बिहार उनका ये मिशन है, हम चाहेंगे जितने भी हमारे दर्शक हैं आप लोग भी ये मिशन में साथ दें। जैसे कि आप नीतीश जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो नीतीश जी अगर आपको बोले कि पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आए तो आप जाएंगे कभी? मैंने एक गीत गाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये गौ हत्या की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो क्या आप भविष्य में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? भविष्य कौन देखा है मतलब, लेकिन एक भोजपुरी के लिए अच्छी मतलब बात है कि हमारे जो सीनियर हैं हमारे बड़े गार्जियन की तरह हैं, भोजपुरी सिनेमा को इतना आगे उन्होंने बढ़ाया, बड़े भैया मनोज तिवारी जी आज दिल्ली के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये बहुत खुशी होती है। और अगर दर्शकों ने साथ दिया
तो हमारे गाना सुन रहे हैं, आगे चल के सेवा करने का मौका देंगे तो अभी नहीं, अभी तो फ्यूचर कौन देखा है कब क्या होगा, लेकिन कोशिश रहेगी। होली आ रहा है तो एक शुभकामनाएं भोजपुरी अड्डा के दर्शकों, भोजपुरी अड्डा देखे वाला सब दर्शकों के हम अरविंद अकेला कल्लू होली के हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर लो अपने परिवार के साथ, अपना फैमिली के साथ, सारा रारा होली है। मेरी तरफ से भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।